हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। आज हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में लर्न करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ ए फिज़िकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का फिज़िकल लेआउट है, और ये इस तरह से डिस्क्राइब होता है कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को अरेंज करेंगे और क्या स्ट्रेटजीज यूज्ड होगी। ओके, और इस तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। जिसमें आपका आता है क्लाइंट नेटवर्क, सर्वर नेटवर्क, और दूसरा आता है पीयर टू पीयर। आइए देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जैसे कि इस नेटवर्क में क्या होगा, एक सर्वर होगा जो मेन कंप्यूटर होगा। हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पीड वाला कंप्यूटर ही सर्वर होता है, और इससे, इस कंप्यूटर से हमारा अलग अलग कंप्यूटर आपस में क्या रहेंगे, लिंक रहेंगे, ठीक है। जो कंप्यूटर लिंक रहेगा वो क्लाइंट कहलाएगा, और सर्वर एक अलग रूम में कहीं पे स्टेब्लिश होगा। तो इन दिस काइंड ऑफ ए नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट कहलाते हैं, या उनको वर्क स्टेशन कहते हैं। और ये सब कुछ आपका मेन कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, और जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। तो मेन कंप्यूटर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। और जो क्लाइंट कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जो मेन सर्वर से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये हो गया सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर है विच ऑफर सर्विस टू क्लाइंट एंड कंट्रोल द एक्सेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेस। सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्लाइंट को सर्विस देता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर में बैठे क्लाइंट्स को उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम्स, फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो ऑफर करता है, और साथ ही साथ वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लाइंट्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्विसेज को यूटिलाइज कराते हैं, जैसे डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं क्लाइंट पर वो उनके सारे कामों को स्टोर करना और उसको रिट्रीवल कराना, कि जब चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब चाहे उसको एक्सेस कर सकें। ये सब कुछ हमारा सर्वर कंप्यूटर पर होता रहता है। सर्वर हमारा हाई कैपेसिटी वाला एक कंप्यूटर है, जिससे बहुत सारे क्लाइंट्स आपस में जुड़े रहते हैं, और भी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे, इस तरह से सब अपना अपने जगह पर काम करते रहेंगे। और डेटा हमारा कहाँ स्टोर रहेगा? सर्वर पर स्टोर रहेगा। डेटा हमारा सर्वर पर स्टोर रहेगा, यही क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा, मैनेज करेगा अदर रिसोर्सेस को, सिक्योरिटी भी सर्वर देगा, ठीक है। अब बात आती है पीयर टू पीयर नेटवर्क टॉपिक। पीयर टू पीयर में क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स हैव सिमिलर कैपेबिलिटीज आर कनेक्ट टूगेदर टू यूज़ शेयर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सिमिलर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब सब एक जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर होते हैं, बस उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में इस तरह से लिंक कर दिया जाता है, और इस तरह से ये क्या हो गया, पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया।
और इससे नेटवर्क से जुड़ जाने से क्या होगा, वो सारे कंप्यूटर अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। जब वो प्रेजेंट रहेंगे नेटवर्क में, ऑन रहेंगे, तो वो अपने एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, और साथ में जो भी प्रिंटर, स्कैनर, रिसोर्सेज, डिवाइसेस होती हैं वो भी शेयर हो जाती हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट भी अगर होगा तो वो भी आपस में शेयर हो सकता है, ठीक है। इसमें एक ख़ास बात है, इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, इसलिए सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। जिसके जो कंप्यूटर में जो भी काम है वो उसी कंप्यूटर में ही सेफ रहेगा, और जिसको चाहिए होगा वो दूसरा वाला कंप्यूटर वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से हर एक कंप्यूटर अपने आप में एक सर्वर है और साथ में क्लाइंट भी हैं। इस तरह से हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर भी है, साथ ही साथ क्लाइंट भी है, ठीक है। आइए टेक इन्फो में जानकारी ले लेते हैं। टेक इन्फो में क्या है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में हो रहा है। आजकल लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस भी बनते जा रहे हैं या बनाए जा सकते हैं। इट वॉज डेवलप फॉर द मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस, इसको डेवलप किया गया था मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस के लिए डेवलप किया गया था, जैसे कि लैपटॉप हो गया, ठीक है। बट नाउ ए यूज एन पीसी, वीडियो गेम, आजकल लोग गेम खेलते हैं तो नेटवर्क बना के गेम भी खेलते हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब हो गया। ये एक टेक इन्फो है जिसको आप याद रखिएगा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, और उसमें दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, जिसमें हमने क्लाइंट सर्वर देखा। क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, वो हमारे क्लाइंट सर्वर कहलाते हैं। और वहीं दूसरा टॉपिक हमारा जो था पीयर टू पीयर नेटवर्क में, इसमें कोई क्लाइंट सर्वर नहीं होता, इसमें सारे कंप्यूटर अपने आप में ही सर्वर और क्लाइंट की तरह काम करते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं और अपने फाइलों को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर एक फिज़िकल लेआउट नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर नेटवर्क अरेंज करेंगे और उसकी क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करने में यूज़ होगी। दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपका क्लाइंट सर्वर होता है। आज आपको पता है वेबसाइट्स जितनी होती हैं सब सर्वर होती हैं, और हम लोग अपने दूर बैठे कहीं से भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल एक अपने आप एक सर्वर है, और हम अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी से भी उस गूगल सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो हम उनके लिए क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, गूगल हमारे लिए क्या हो गया, सर्वर हो गया। इस तरह से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क आपका किसी होम बिल्डिंग के अंदर, रूम के अंदर ही इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है।